अच्छा थैला देख रहे हो, एक पार्सल मिल नहीं रहा था। बहुत भारी हो गया है तो, लेकिन यहाँ सिस्टर की वो क्या समझते हैं प्रद... मेरे मामा के लड़के ओपन विद दी आपस में अपने इमोशंस जाहिर। हैप्पी ब्रदर्स डे। हाय गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गोइंग डाउन टू ब्रिंग, अच्छा थैला देख रहे हो, गोइंग डाउन टू ब्रिंग सम ऑफ द कोरियर व्हिच हैज कम। थर्ड फ्लोर दब गया गलती से, ये लिफ्ट में हमारे आर्टिफिशियल मैट लगा दिया जिससे पानी रुक जाए क्योंकि बरसात होने वाली है, मुंबई में बरसात का मौसम स्टार्ट होने वाला है, तो प्रिकॉशन। पार्सल ले लिए, एक पार्सल मिल नहीं रहा था बट मिल गया फाइनली। लेट्स सी कौन खोलता है, मेरे ख्याल से छोटा यूट्यूबर खोलेगा। लेट मी सी माय गेस। ओह यस माय गेस वाज फैंटास्टिक। इतना जरूरी है, ये एक पार्सल है आदि के लिए, ये कुछ मेडिसिंस हैं, होम्योपैथिक मेडिसिंस फॉर सर्टेन यूज। And this is also a medicine. Let's see. इसकी करेंगे हम अनबॉक्सिंग। ये है वीर के लिए, सॉरी आदि के लिए मंगाया हुआ। लेट्स सी, आई विल ऑल्सो ट्राई कैसा होता है। तो इसमें दिखा रहा है इन एयरफोन्स, USB चार्जिंग केबल एंड मैनुअल। ये USB चार्जर है और इसके साथ ये एक्स्ट्रा एयर बड्स के दिए हुए हैं लगाने के लिए। ये है एक्चुअल में, ये है बॉट का बेसिकली ब्लू कलर में ये है, और ये मैग्नेट है, इस पर मैग्नेट से चिपकता है। अभी लगा के हम देखते हैं कैसा चलता है। चलो मम्मी मैंगो शेक दिखाओ, अभी बनने तो दे। आप देख सकते हैं ये हमारा मैंगो शेक, मैंगो शेक अभी बन गया है। मैंगो शेक, आम खट्टे आ गए थे तो इसलिए अभी हम मैंगो शेक बना के काम चला रहे हैं। हम दोनों जा रहे हैं दूध लेने और वाटरमेलन और मस्त मेलन लेने, मस्त। तो वीर और मैं देख सकते हैं बहुत भारी हो गया है, इसके लिए वीर को लेके आया था। दो थैले हैं मेरे पास, 10 kg का वजन है और वीर के पास कम से कम 4 kg का वजन है। क्यों वीर, कैसा लग रहा है? ऊपर से मास्क भी पहना हुआ है हमने तो सांस लेने में और तकलीफ होता है। के बाद वीर, हाँ हाउ आर यू फीलिंग? बहुत भारी है, देख सकते हो इतना भारी है। ग्रीन टी, हैव अ ग्रीन टी एवरीवन, एंजॉय इवनिंग टी विद न्यूट्री चॉइस बिस्किट्स, गुड फॉर हेल्थ। चाय के साथ कुछ ना कुछ तो चाहिए रहता है हम लोग को, इसलिए खाते हैं। बाय द वे आज ब्रदर्स डे है, और जैसे मैंने उस दिन बोला कि कुछ ना कुछ डे निकल के आ रहा है, तो आज ब्रदर्स डे है। ब्रदर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ब्रदर? क्या ब्रदर वो होता है जो एक ही माँ की कोख से पैदा हुए दो भाई होते हैं तो वो ब्रदर्स डे माना जाता है, या ब्रदर्स डे आपका मौसी का, चाचा का, ताऊ का, इनके बच्चे होंगे तो वो ब्रदर्स डे में आते हैं?
या आपके फ्रेंड्स ब्रदर्स में आते हैं? कौन है ये भाई और क्यों और किसको हमें ब्रदर कहना चाहिए? सो फॉर मी व्हाट इज ब्रदर? ब्रदर इज समथिंग की शाम, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत बढ़िया। सामने लाइट जलती हुई, इस कैमरे में दिखेगी नहीं, एक धुआं जलता हुआ, सामने से ट्रेन जाती हुई। लेकिन हैप्पी ब्रदर्स डे रैम्बो, ब्रदर्स डे, हैप्पी ब्रदर्स डे रैम्बो। डोंट सी द फूड, सी हियर रैम्बो, रैम्बो, रैम्बो के बैठने का अंदाज देखिए आप, खतरनाक। रैम्बो, रैम्बो, वीर नोट कर रहा है, हम ब्रदर की डेफिनेशन बना रहे हैं और सबको पूछ रहे कि वो क्या समझते हैं ब्रदर को लेके। वी आर रेडी विद अवर डेफिनेशन ऑफ ब्रदर्स डे व्हिच वी आर गोइंग टू शेयर विद यू नाउ। सो गुड इवनिंग एवरीवन, जैसा कि आज है ब्रदर्स डे और यू नो मैं अचानक से देख रहा हूँ इधर उधर से मेरे को मैसेज आ रहे हैं, मेरे को मेरे मामा के लड़के ने अन्नू ने मैसेज भेजा, फिर कई लोगों ने अपने स्टेटस में मैसेज में डाला है कि ब्रदर्स डे, एंड आई वाज अरे क्या ब्रदर्स डे भी होता है, कहीं मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? तो मैं इमीडिएटली गूगल देखा तो देर इज अ डे फॉर द ब्रदर्स, एंड देन आई ऑल्सो सर्च फॉर अ सिस्टर डे, सिस्टर डे भी है। सो जब सर्च किया तो आई थॉट कि वाई डोंट वी विश यू नो एवरीवन with this message that wish you a very happy brothers day, और साथ के साथ brothers को define भी किया जाए। जैसा मेरी आदत है कि मैं हर उस शब्द को, जैसे मैंने माँ को mother को define किया था, इससे पहले मैंने और भी अलग अलग वीडियो में अलग अलग चीजें जैसे success को लेके मैंने define किया था, ऐसे ही आज मैं brother को define करूँ। so for me brother, BROTHER, B is equal to bonding। ब्रदरों में जो भाइयों में जो बॉन्डिंग होती है ना, वो कहीं दिखे या ना दिखे, लेकिन उनसे जाके पूछो कि कितनी बॉन्डिंग उनकी होती है। सो B is equal to bonding। R is equal to ready। Ready means anything, हर चीज हर समय के लिए वो आपके लिए खड़े रहते हैं, राइट। सो आर इज इक्वल टू रेडी, सो ये डिफाइन करता है कि वो कितना तैयार रहते हैं, वो दिखता नहीं है लेकिन दे आर ऑलवेज रेडी व्हेन यू नीड देम। ओ इज इक्वल टू ओपननेस, दे आर नॉट गोइंग टू ओपन विद यू, चाहे उनको कितनी तकलीफ हो, चाहे कितनी भी परेशानी हो, आपके साथ ओपन कभी नहीं होंगे। टी इज इक्वल टू टफ, और बचपन में भी आपने देखा होगा, अगर आप बड़े भाई हो और आपके छोटे भाई को कोई पीटने जाता था या छोटे भाई को कोई पीटने जाता है, तो आप हमेशा उसके लिए खड़े रहते होंगे। बेशक आप घर में झगड़ा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट दे आर ऑलवेज रेडी। सो दे आर वेरी टफ बट दे डोंट शो इट। एच इज इक्वल टू होप, एक दूसरे के लिए वो आशा की किरण है एक दूसरे के लिए। ई इज इक्वल टू इमोशंस, दे आर नेवर गोइंग टू शो देयर इमोशंस विद यू, राइट। कभी भी भाई लोग आपस में अपने इमोशंस जाहिर नहीं करते, उनको समझना पड़ता है। एंड द रे, रे इज किरण, किरण की जो स्पीड होती है, जो स्पीड होती है, उस स्पीड के जैसे वो आपके सामने हाजिर हो जाएंगे वेन एवर यू नीडेड देम। विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय थिंकिंग थॉट प्रोसेस ऑफ ब्रदर, BROTHER, एंड वंस अगेन आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी 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 ब्रदर्स डे। सो आई विश एवरीवन अ हैप्पी ब्रदर्स डे। तो वीडियो को खत्म करते हैं, थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, थैंक यू।